उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बनी ये आलीशान इमारत है हज हाउस, जिसे अखिलेश यादव की सरकार के दौरान हज यात्रियों की सुविधाओं के लिए बनाया गया था। लेकिन अब इस हज हाउस को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सील कर दिया है। जी हां, हिंडन नदी के किनारे बने इस आलीशान हज हाउस पर सरकारी ताला लटक चुका है और ऐसा हुआ है एनजीटी के आदेश पर। दरअसल एनजीटी में इससे पहले भी एक याचिका लग चुकी है, जिसमें याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि हज हाउस जिस जमीन पर बना हुआ है वो गाजियाबाद के अर्थला गांव के राजस्व रिकॉर्ड में हिंडन नदी के तौर पर दर्ज है, इसलिए इस हज हाउस को गिरा देना चाहिए क्योंकि ये प्रदूषण मानकों पर भी खरा नहीं उतरता। हालांकि एनजीटी ने इस याचिका को तो रद्द कर दिया था, लेकिन प्रदूषण के मानकों पर खरा नहीं उतरने के चलते सरकार को इस हज हाउस को सील करने के आदेश दे दिए, जिसके बाद योगी सरकार ने इस हज हाउस को सील कर दिया। आपको बता दें कि हज हाउस में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना है, इस वजह से इस हज हाउस से निकलने वाला गंदा पानी हिंडन नदी के पानी के साथ ही भूजल स्तर को भी गंदा कर रहा था, इसी वजह से इसे सील किया गया है। अब एनजीटी ने कहा है कि जब तक इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनता तब तक ये हज हाउस सील ही रहेगा। हालांकि इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना आसान नजर नहीं आ रहा है। वायरल कीड़ा न्यूज़।